नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गुप्त सूचना के आधार पर फिर बैटरी की रोशनी से फतेहाबाद पुलिस ने पकड़ी 25 लाख रुपए की हीरोइन। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। फतेहाबाद पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार दो युवकों को 263 ग्राम हीरोइन सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत करीबन 25 से 26 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान विशाल उर्फ लाडी निवासी शाहपुर बेगू तथा जिला सिरसा व सुनील कुमार उर्फ सीलू निवासी बड़ोपल के रूप में हुई है। प्राथमिक पूछताछ में इन युवकों ने यह हीरोइन दिल्ली से लाए जाने की सूचना दी है और इन्हें सिरसा में सप्लाई करने की बात कही। थाना सदर फतेहाबाद में दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों को माननीय अदालत में पेश कर सुशील को आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि एंटी नारकोटिक पुलिस टीम ASI महेंद्र सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान गांव बड़पट में चिदड़ मोड़ पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने गांव चिदड़ के पास और वहां से आ रही एक कार को बैटरी की रोशनी में रुकवाने का इशारा किया तो कार सवार युवक घबरा गए और कार को वापस मोड़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए कार को रुकवा करके उसमें सवार दो युवकों से पूछताछ की और दोनों युवकों को संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। उनसे जब तलाशी ली गई तो 263 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। जी, ये 263 हीरोइन वाला क्या मामला जी पूरा है? देखिए, हमारे SP साहब के निर्देशानुसार जिला फतेहाबाद को नशा मुक्त बनाने हेतु चलाए गए अभियान के तहत और ये हमारे ANC स्टाफ फतेहाबाद की टीम कल जो है बड़ोपल से चिंदर रोड पर और नशा की रोकथाम हेतु नाकाबंदी की हुई थी तो एक गाड़ी चिंदर की तरफ से बड़ोपल की तरफ आई जिसको बैटरी की रोशनी से रुकने का इशारा किया तो जो चालक ने गाड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश की और रास्ता तंग होने के कारण गाड़ी वापस नहीं मोड़ सका, जिस पर हमारे असही महेंद्र NC स्टाफ और जो है ना उसके साथ मेम्बरों ने गाड़ी को घेर कर दोनों व्यक्ति को काबू किया और काबू करके नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम विशाल निवासी बेगू जिला सरसा और साथ में बैठे सीट पर वाले व्यक्ति ने सुनील और शीलू बतलाया जिनकी नियमानुसार तलाशी अमल में लाएगी तो गाड़ी के डैशबोर्ड से 263 ग्राम हीरोइन बरामद हुई जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके गिरफ्तार किए गए और आज अदालत में पेश किए जाएंगे और अदालत से रिमांड लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान जहाँ से वो लेकर आए उस स्थान की निशानदेही और किससे लेकर उसको समाप्त हो गया। कहाँ से लाए, कहाँ देनी थी? ये दिल्ली से लेके आए हैं और आगे जो है इनको सरसा के अंदर सप्लाई करनी थी। जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके पर पहले के मुकदमे हैं? हाँ, जो एक इसके अंदर आरोपी है विशाल जो निवासी गांव बेगू है सरसा के अंदर, उसने बताया कि मेरे खिलाफ 4-5 बार पहले मैं पकड़ा गया हूँ और जो सुनील है बड़ोपल का उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। सर, मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू हो गई इस हीरोइन की? इस हीरोइन के करीब जो है 25-26 लाख रुपये कीमत की।